गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर यूनिट 13 का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। मान लीजिए कि इस तरह से दो घन हैं, एक घन ये हो गया और इसका भी आयतन 64 दिया है और इसी से सटा करके दूसरा भी दे रहा है कि इस तरह से एक इसका भी आयतन 64 है। ये दो घन हो गए तो दोनों घनों को सटा देते हैं। इसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को एक साथ मिला के एक ठोस बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों घन मिल करके ये क्या बना देते हैं, एक घनाप बना देते हैं। तो घनाप बनाने पर प्रत्येक घनाप का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दो घनों प्रत्येक घन का आयतन 64 दिया है तो दो घनों का आयतन उसका जो है दो से गुणा कर देंगे तो आपको जो मिल जाएगा दो घनों का आयतन। लेकिन इसके किनारे नहीं मालूम है कि प्रत्येक किनारा कितने का है। अगर हम मान लेते हैं कि इसका प्रत्येक किनारा x का है तो इसकी लंबाई क्यों लंबाई जो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगी, केवल ये लंबाई क्या हो जा रही है x प्लस x, ये देखिए x प्लस x ये दो बढ़ जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रत्येक घन का आयतन प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है 64। ये लिखेंगे 64 घन सेंटीमीटर। तो चूंकि दो घन है तो लिखेंगे अतः दो घनों का आयतन दो घनों का आयतन हो जाएगा 64 × 2 बराबर 2 × 8 × 6 = 12 128 घन सेंटीमीटर। इसमें से आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लीजिए कि प्रत्येक घन का किनारा जो है x है, माना प्रत्येक घन की ओर बराबर है x सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है न, प्रत्येक घन का किनारा है x है तो न एक घन की भुजा क्या हो जाएगी, घन का आयतन क्या होता है भुजा को पावर 3 यानी x³ = 64। तो x इक्वल हो जाएगा 3√64 = 3√ ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 गुणनखंड कर लीजिए 2 × 3 = 6 × 2 = 4 फिर 16 हो गया 2 × 16 फिर 8 का भी हो जाएगा 2 × 2 × 2 तो इसमें कितनी का जोड़ा बना देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2 × 2 = 4 यानी एक घन की जो है ना एक घन की एक भुजा की लंबाई दे दिया 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन l बराबर कितना होगा 2x ना, चौड़ाई कितनी होगी x, ऊंचाई भी होगी x क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप इसमें मान भी रख सकते हो, अतः ना l इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगी ना। एक घन की भुजा हमने निकाल लिया, ये 4 का है तो दो घन सटाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जा रही है, ये 4 हो जाएगा हमें 4 और 4 हो जाएगा 8 और एक ऊंचाई 4 ही रहेगी और इसकी एक ऊंचाई जो है वो भी 4 रहेगी।
जमने की लिखनी है। अब क्या कर रहा है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ना कि दो घनों को सटाकर को सटाने से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB + BH + HA। मान रखेंगे 2 L की वैल्यू हो गई 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, गुणा कर देंगे 2 8 × 4 = 32 + 4 = 16 + 30 एक बनेगा पर 2 6 8 2 3 0 कैरी 1 3 4 4 1 5 3 8 80 × 2 इसी पर तो 160 क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है ना, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 160 वर्ग सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि घन का आयतन 64 दिया हुआ है, तो 64 से आप क्या करेंगे, घन का आयतन बराबर होता है भुजा को पावर 3, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब हमने एक्स मान लिया है तो एक्स पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 64, तो एक्स की वैल्यू इसका घनमूल निकाल देंगे 4 सेंटीमीटर। तो एक भुजा हमें एक मालूम हो गए 4 की, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है तो सभी चौड़ाई ऊंचाई सब 4 होगा। लेकिन दो घन सटाए गया है तो दो घनों को सटाने पर इसकी लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, 4 × 4 = 8 हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो जाएगी, तो दोनों घनों को सटाने से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे, 2 LB + BH + HA। L का मतलब होता है लेंथ लंबाई, B मीन्स ब्रिथ चौड़ाई, H मीन्स हाइट ऊंचाई। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। कोई बर्तन एक अर्ध गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक उपला बेलन अध्यारोपित है। एक बर्तन है ना जो खोखले अर्ध गोले के आकार का है, इस तरह के आकार का एक बर्तन है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला इस तरह से बेलन जो है अध्यारोपित पर बनाया गया है। खोखला बेलन अध्यारोपी है, अर्ध गोले का व्यास जो है 14 दिया है, एक व्यास जो है इसका कितना है 14, यहाँ पर नोट करते रहेंगे अर्ध गोले का व्यास, या डायरेक्ट लिखिए अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर। तो आप जानते हो त्रिज्या जो होती क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या इसका कितना दिया है 14 दिया है ना, तो 14 का पटा 2 कर देंगे 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया, अर्ध गोले का व्यास 14 है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये पूरी हाइट दे रहा है कि पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि एक इसकी त्रिज्या हो गई, तो एक ऊंचाई भी कितनी की होगी 7 सेंटीमीटर होगी ना, त्रिज्या ही इसकी जो अर्ध गोला है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इसकी त्रिज्याएं कहलाएंगी। तो ये 13 में से 7 घटा देंगे तो आपको ऊपर का बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो ये लिख सकते हैं बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई इज इक्वल टू 13 - 7 =
इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई कितनी कितनी की हो जाएगी 6 और ये ऊंचाई इसकी होगी 7। ठीक है, तो क्या प्रश्न कह रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हम दोनों का क्या करेंगे, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद गोले का निकाल देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलनाकार बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, इसके फॉर्मूले की आप देखेंगे क्या होता है 2πRh, अब इसमें वैल्यू रख देंगे 2 × π की वैल्यू होगी 22/7, आर कितना दिया है त्रिज्या 60 और ऊंचाई इसका कितना आया है, इसकी ऊंचाई कितनी है अभी निकालने हैं 6, 7 से 7 कट जाएगा 22 × 44, 44 गुणे 6 कट जाएगा, 6 × 24, 6 × 24 और 2 = 26, 264 ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर, ये बेलनाकार बर्तन का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अर्ध गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, तो लिखेंगे अर्ध दिया क्या है प्रश्न में, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² 2πr² ये होता है अर्ध गोले का, और पूरे गोले का होता है 4πr² पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² अर्ध गोला है तो 2πr², तो 2 × 22/7 और अर्ध गोले की त्रिज्या हमने लिखा हुआ है कितना आया है 7, ये कर देंगे 7 × 7 इसी एकट जाएगा 22 × 44, 44 × 7 करेंगे 7 × 28, 7 × 28 = 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पहले का कितना आया 264 और प्लस हो जाएगा 308, जोड़ दिए 8 × 4 = 6 × 7 = 5, ये हो जाएगा आपका 575 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया, चित्र को ध्यान से समझेंगे, पहले ये अर्ध गोला बनाना है, अर्ध गोले पर ऊपर बेलन है तो बेलनाकार बर्तन लिखना है, कुल ऊंचाई 13 लिया है तो इसकी ये त्रिज्या हो गई, तो इसकी त्रिज्या ही इसकी ऊंचाई होती है, गोले की त्रिज्या की अर्ध गोले की त्रिज्या ही क्या होती है उसकी ऊंचाई होती है, ये 7 कट जाएगा, पूरे बर्तन की ऊंचाई में से 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 6, तो बेलन के लिए आपको ऊंचाई हो गई 6 और इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या तो दोनों का आधार एक ही है, इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 7 से, व्यास दिया है 14, 14 का बटा 2 कर देंगे 7, उसके बाद बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु इस तरह का होता है, तो एक खिलौना है वह 3.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे शंकु के लिए त्रिज्या या शंकुआकार खिलौने की त्रिज्या जो दिया हुआ है उसको पहले नोट करेंगे, शंकुआकार खिलौने की त्रिज्या। आर बराबर कितना हो जाएगा 3.5 या 35/10 पूर्णांक मिनिमम बदल देंगे 5×35 5×10 बराबर 7×2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, जो इसी अर्ध गोले पर अध्यारोपित है मतलब उसी पर बनाया गया है, तो कह रहे इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 है, ये पूरी ऊंचाई कितना दे रहा है 15.5 सेंटीमीटर। तो कह रहे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए, तो इसका भी अभी सेम उसी तरह से किए हैं, अभी बता रहे हैं इसकी त्रिज्या कितना है 7/2, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर रखो या 7/2। तो इसकी ऊंचाई हो गई, आपकी त्रिज्या और ऊंचाई है दोनों इक्वल होती है, तो शंकुआकार भाग के लिए आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, एल कहलाता है एक तिरछी ऊंचाई। तो पहले हमें इसकी ऊंचाई देखनी होगी कि एक ऊंचाई कितनी है, तो शंकुआकार भाग के लिए लिखेंगे यहाँ पर शंकु के लिए ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है, इसमें से इसकी ऊंचाई जो है अर्ध गोले की घट जाएगी 3.5, ये हो जाएगा 15 से 3 घट जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12.0 या 12 केवल 12 सेंटीमीटर। देखिए 15.5 में से ये 3.5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 15 से 3 गया 12, 10 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर उसके आगे कोई अंक ना हो, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो अब इसका निकालते हैं ना, तो इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो पाई तो आपको मालूम है आर भी मालूम है, दोनों की त्रिज्याएं समान है, एल तिरछी ऊंचाई होती है और एल आपको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें एल फाइंड करना होगा। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच इसका रखेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या कितनी है 7/2 का स्क्वायर, 12 12 कितना हो जाएगा 144 प्लस 7 49 बटे हो गया 4 4 से इसको जोड़ लीजिए, इसको एक कितना हो जाएगा आपका 144 या इसको 3.5 से रखते किया तो ये तो वही बात आएगी, तो कितना होगा 4 4 16 4 4 16 1 17 4 4 16 4 4 16 17 और 4 1 4 5 5 76 49 जोड़ दिए 9 6 15 7 4 11 12 12 5 6 बराबर हो जाएगा 625/4, अतः एल बराबर कितना हो जाएगा एल बराबर कड़ी में 625/4, 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, 4 का वर्गमूल 2,
25 बटे 2 या 12.5 सेंटी, आपको जो मान उपयुक्त लगे उसको रखते जाएंगे, चाहे दशमलव में या पूरा में। ठीक है, ये यल मीटर है। सबसे पहले आपने देखा ना, इसको ऊंचाई कहते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और ये त्रिज्या होता है। ठीक है, तो आपको यह निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए कुछ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपने फाइंड किया है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें भी आप मान रख सकते हैं नहीं, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर शंकु के लिए लिखेंगे नहीं, हाँ, तो इसका कितना हो गया बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका भी मान रख लीजिए 2 × 22/7, और अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है 7/ अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर, तो ये रख देंगे 7/2 × 7/2। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट गया 11 सेंटीमीटर। अब किसका निकालेंगे, शंकु का, तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल, तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रख देंगे, आर तो नहीं है 7/2, और यल का मान कितना आया है 25/2 या 12.5, कोई भी रख सकते हैं, हम बटे में रखें ताकि इससे 2 से 1 कट जाए, 11, ये 7 से 7 कट गया, तो 25 से गुणा करेंगे, 11 × 6 = 55, 11 × 22 = 5 = 27, 275/2 या 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है प्रश्न, इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इधर से मिटा रहे हैं थोड़ा सा, तब लिखेंगे यहां पर खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्री डिफरेंट पृष्ठीय ये हो गया क्षेत्रफल, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 77, और इसका आया है प्लस 137.50, ऐड कर दिए, ये तो क्या 0.50, जोड़ दीजिए 7 + 7 = 14 + 4 = 11 + 7 = 8 + 11 = 2 1 1 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको ये दो तरह की आकृतियां बनती हैं, तो यहाँ पर पहले अर्ध गोले के लिए लिख सकते हैं R बराबर, फिर H बराबर, उसके बाद इसका क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद शंकु के लिए कर सकते हैं, शंकु के लिए ऊंचाई चाहिए है ना, और ये तिर्यक ऊंचाई पाई गए आर्यन होता है, तिर्यक ऊंचाई नहीं था तो इसकी त्रिज्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो आप पहले यल निकाल लेंगे, यल निकालने के बाद जो पाई आर्यन में इसकी वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद दोनों खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका जो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो सकता है।
आप इस प्रश्न को चाहे तो एक ही साथ इसको ना अलग अलग करके डायरेक्ट लिख सकते थे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बराबर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्र ले रख लेते 2πr² और शंकु का रख लेंगे πr² और फिर दोनों की वैल्यू साथ साथ रख करके फाइंड कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको जो है ना कॉपी पर करना है और जो प्रश्न हल कराए जा चुके हैं उनको आपको रिवीजन भी करते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको कीजिएगा, नहीं तो आएगा तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है 13.1 की आपके क्वेश्चन नंबर 4 से बताए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।